एक तरफ जहां पांच राज्यों की विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा बेहद खास है। विपक्षी ताकत की बात करें तो किसान के मुद्दे पर भी सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ आने में हिचकती रही। ऐसे में अब कांग्रेस और टीएमसी में पड़ी दरार से ताकत के और बिखेरने की आशंका बढ़ गई। कांग्रेस और टीएमसी में आई कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह कृषि कानूनों के खिलाफ चलने वाले आंदोलन का श्रेय है। दरअसल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों का आंदोलन चलाया और अंत में जीत हासिल की, लेकिन अब इसका श्रेय तृणमूल कांग्रेस ले रही है। उन्होंने कहा कि उसका ये दावा पूरी तरह से निराधार है। चौधरी का यहां तक कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं ने देश भर में कानूनों के हक की आवाज उठाई और उनके समर्थन में खड़े रहे। वहीं टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी किसानों के समर्थन में कभी जंतर मंतर तक नहीं गई, फिर भी वो इसकी जीत का श्रेय लेना चाह रही है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। ऐसा करने वालों में केवल टीएमसी और कांग्रेस ही नहीं है बल्कि दूसरी पार्टियां भी। वहीं कृषि कानूनों के विरोध की आवाज बने संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई में किसी भी राजनीतिक दल की भूमिका को नकार रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये काफी खास हो गया कि किसानों की असल जीत के हकदार कौन है। सभी पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी जीत बताते हुए ही आगामी चुनाव में उतरने वाली है।